आज हम बनाने जा रहे हैं कॉर्न सूप। आजकल मार्केट में कॉर्न मक्का बहुत आया हुआ है, लोग इसको छल्ली भी बोलते हैं, भुट्टा बोलते हैं, और ये फ्रेश भुट्टा ही का सूप बहुत अच्छा बनता है। और आजकल का जैसा मौसम चल रहा है, इसमें हमें सूप जरूर लेना चाहिए, क्योंकि ये हमारी इम्यूनिटी बढ़ाता है और हमें ए वेजिटेबल्स में विटामिन्स वगैरह भी हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छे हैं। तो मैं इसमें सबसे पहले ले रही हूँ, मैंने ये भुट्टे में से दाने निकाल लिए हैं, ये बिल्कुल फ्रेश है। ग्रेटेड गाजर ली है, एक ही गाजर है ये। एक कटोरी मैंने बंद गोभी ली है, थोड़ी सी मैंने बीन्स ले ली है, एक शिमला मिर्च मीडियम साइज़ की ली है, और ये एक उबला हुआ आलू है जो हमारी ये सूप को ग्रेवी को थिकनेस में देगा। इसमें मैंने प्याज ली है और थोड़ी सी अदरक का छोटा सा टुकड़ा मैंने बारीक काट लिया है। कुछ कॉर्न को मैंने उबाल लिया और उसको पीस लिया है मिक्सी में। कढ़ाई ले ली है, इसमें मक्खन डालूँ। मक्खन हमारा पिघल गया है, अब इसमें पहले मैं अदरक डाल दूंगी, अब इसमें प्याज डाल दूंगी। प्याज हमारा भून गया है, अब इसमें मैं कॉर्न डाल दूंगी। बीन्स, गाजर, बंद गोभी, शिमला मिर्च, और आलू। सब्जियां हमारी सारी मिक्स हो गई हैं, अब इसमें मैं पानी ऐड कर दूंगी। इसमें हम तकरीबन 4 से 5 कप पानी डाल देंगे। अब इसको 5 से 7 मिनट उबलने देंगे। ये देखिए, हमें 2 मिनट हो गए हमारे को इसको सूप को उबलते हुए। अब मैंने जो कॉर्न उबाले थे जब मिक्सर बनाया था, इसको भी अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी। इसमें थोड़ी सी जो झाग आ गई है इसको हम निकाल सकते हैं। ये देखिए, हमारा सूप गाढ़ा हो गया है। अब इसमें हम नमक और काली मिर्च ऐड कर देंगे। ये देखिए, मैं 1/2 चम्मच डाल रही हूँ। सूप में थोड़ा नमक कम ही अच्छा लगता है। काली मिर्च मिक्स कर लेंगे। एक मिनट के लिए और चलाएंगे ताकि वो नमक मिक्स हो जाए अच्छी तरह से। हमारा सूप बिल्कुल तैयार हो गया है। कितना देखने में भी कलरफुल, बहुत प्यारा लग रहा है और उतना ही टेस्टी भी होगा। ये सूप प्यार है हमारा, ये और आप लोगों के लिए, खास आप लोगों के लिए। अगर आप कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट्स पे मैसेज कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपका रेसिपी को बना कर दिखा सकूं आपको। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।